काम लस्ट जो कि इच्छा या प्रेम है, दिमाग की पहली ऊर्जा है, गर्मी है जो जीवन की शुरुआत को दर्शाता है और दुनिया की रचना में मदद करता है। एक समय था जब दुनिया में हर तरफ अंधेरा था, ना ही कोई खुशी ना ही कोई उत्साह, हर तरफ सिर्फ था अंधकार। फिर उसी अंधकार के बीच से जन्म हुआ डिजायर, लस्ट और प्रेम के देव कामदेव का। कहते हैं कामदेव विष्णु जी और देवी लक्ष्मी के पुत्र हैं। कामदेव को कई धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु, भगवान शिव और भगवान कृष्ण के अवतार की तरह पोर्ट्रे किया जाता है। लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहां लाखों मंदिर है, वही कामदेव के ज्यादा मंदिर नहीं है। बहुत कम लोग कामदेव के रूप और उनकी शक्तियों के बारे में जानते हैं, शायद इसीलिए क्योंकि सुख और डिजायर्स के साथ कामदेव की शक्तियां अक्सर इंसान के दिमाग पर काबू कर उसे डिजायर्स से अंधा भी कर सकती है। कामदेव को अक्सर एक खूबसूरत नौजवान की तरह दिखाया जाता है। उनकी सुंदर हरी त्वचा है और उनके पास एक धनुष और 5 तीर है। वो अपने धनुष से तीर चलाने की मुद्रा में होते हैं। उनका धनुष शुगरकेन से बना है और वो फूलों वाले तीर चलाते हैं, इसी वजह से उन्हें पुष्पद्वना भी कहते हैं। जैसे रोमन कल्चर में क्यूपिड को द गॉड ऑफ सेक्सुअल लव माना जाता है, वैसे ही हमारे शास्त्रों में कामदेव को प्रेम के देवता माना जाता है। उनके हर तीर में एक विशेष फूल की खुशबू होती है। हर तीर अपने टारगेट के अंदर एक अलग तरह का डिजायर पैदा कर देता है। कामदेव के पास 5 फूलों से बने तीर है और हर फूल का भी एक अलग सिग्निफिकेंस है। जैसे दिल को प्रसन्न करने के लिए एक सफेद कमल से बना हुआ तीर है, किसी के मन में आकर्षण पैदा करने के लिए एक लाल रंग के अशोक का फूल से बना हुआ तीर है, आम्र यानी आम के फूल से बने तीर से किसी के मन में भ्रम उत्पन्न हो सकता है, चमेली से बना तीर दिल को कमजोर कर देता है और वो इंसान प्यार में पड़ जाता है, और नील कमल से बना हुआ तीर किसी के मृत्यु का कारण बन सकता है। 16 श्रृंगार जिसे आज भी शादीशुदा महिलाएं करती है, वो भी कामदेव और उनकी पत्नी रति से जुड़ा हुआ है। रति जो प्रेम की देवी मानी जाती है, उनका जन्म प्रजापति यानी गॉड ऑफ ऑल क्रिएचर्स के पसीने से हुआ था। कहा जाता है कि रति काफी दुखी रहा करती थी क्योंकि उनकी खूबसूरती सबको नजर नहीं आती थी, इसी वजह से उन्होंने देवी लक्ष्मी को खुश करने के लिए कड़ी तपस्या की। रति की भक्ति से प्रसन्न होकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें 16 श्रृंगार का आशीर्वाद दिया। माथे पर तिलक, हाथों में कंगन, मांग में सिंदूर, पैरों में पायल, रति की सुंदरता अब हर किसी को दिख रही थी। देवी लक्ष्मी ने रति से कहा कि जिस महिला ने अपने शरीर को 16 श्रृंगार से सजा लिया, वो अपने पति को मोहित कर देगी और उनके घर में सुख समृद्धि होगी। और इसी 16 श्रृंगार की मदद से रति कामदेव की पत्नी बन गई, जो सृष्टि के सबसे सुंदर पुरुष माने जाते थे। शिव पुराण के अनुसार कामदेव ब्रह्मा जी के दिमाग से पैदा हुए थे, पर एक बार कामदेव ने कुछ ऐसा किया कि ब्रह्मा जी ने गुस्से में आकर अपने ही बेटे को मृत्यु का श्राप दे दिया। जन्म लेने के बाद जब कामदेव ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं किसे प्रसन्न करूं, जवाब में ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा, तुम्हें संसार में फूलों के 5 तीरों के साथ सदैव सृष्टि में घूमते रहो और जीव जंतुओं की संख्या को बढ़ाते जाओ, देवता भी तुम्हारे तीर को रोक नहीं पाएंगे। कामदेव से ये कहने के बाद ब्रह्मा जी गहरे ध्यान में चले गए। कामदेव समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें आगे क्या करना है। तब उन्होंने अपने फूलों से बने तीर को ब्रह्मा जी पर ही चला दिया। तीर लगने से ब्रह्मा जी के मन में डिजायर्स पैदा होने लगे और उन्होंने अपनी आंखें खोल ली। उनके सामने उनकी बेटी संध्या खड़ी थी, और जैसे ही ब्रह्मा जी की नजर संध्या पर पड़ी, कामदेव के तीर के कारण ब्रह्मा जी अपनी बेटी से ही आकर्षित हो गए। बहुत बड़ी दुविधा हो गई। ये सब देखकर प्रजापति परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव को मदद के लिए पुकारा, पर शिव जी वहां आते ही ब्रह्मा जी और कामदेव पर हंस पड़े, और ये देखकर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कामदेव को एक भयानक श्राप दे दिया। एक दिन ऐसा आएगा जब शिव जी कामदेव से इतने क्रोधित हो जाएंगे कि उन्हें भस्म कर देंगे। ये बात सुनकर कामदेव घबरा गए। उन्होंने ब्रह्मा जी को याद दिलाया कि वो उनके ही पुत्र है और उनसे विनती की कि वो अपने पुत्र की इस गलती को माफ कर दे। कामदेव की दशा देख ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा कि वो अपने श्राप को वापस नहीं ले सकते, लेकिन उन्हें आश्वासन दिया कि भस्म हो जाने के बाद भी कामदेव एक दिन फिर से पैदा होंगे। कई वर्ष बीत गए और कामदेव दुनिया में लोगों के अंदर प्रेम की भावना जगाते रहे, लेकिन आखिर वो दिन आ गया जब ब्रह्मा जी का श्राप सच हुआ और कामदेव शिव जी के क्रोध के शिकार बने।
शिव पुराण के अनुसार तारकासुर एक खौफनाक असुर था जिसने कई वर्ष ब्रह्मा जी की तपस्या करी और उनसे अमर होने का वरदान पा लिया। उसे कोई भी देवी देवता न हरा सकता था न मार सकता था। इसी वजह से तारकासुर दुनिया में अपना खौफ फैलाता चला गया। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार सिर्फ भगवान शिव का पुत्र ही उस असुर का वध कर सकता था, लेकिन शिव जी उस समय अपनी पत्नी सती की मृत्यु के दुख में गहरे ध्यान में थे। समय बढ़ता रहा, तारकासुर के अत्याचार बढ़ते गए, वो दुनिया में तबाही मचाता गया, लेकिन शिव जी अपने ध्यान में लीन रहे। शिव जी का ध्यान तोड़ने के लिए और उनके मन को प्रेम से भरने के लिए सभी देवताओं ने कामदेव की मदद मांगी। कामदेव जानते थे कि शिव जी के ध्यान को तोड़ना उनके लिए खतरनाक होगा, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए कामदेव ऐसा करने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपना तीर चलाया शिव जी के दिल में। शिव जी का ध्यान भंग हो गया और उन्हें कामदेव पर बहुत गुस्सा आया और गुस्से में शिव जी ने अपनी तीसरी आंख खोली। उनकी आंख से भयंकर अग्नि निकली और उस अग्नि ने प्रेम के देवता कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। ये सब देख कामदेव की पत्नी रति बहुत दुखी हो गई। वो लगातार रोने लग गई। उन्होंने शिव जी से पूछा कि बिना प्रेम के दुनिया आगे नहीं बढ़ पाएगी और किसी का भी जन्म नहीं हो पाएगा, दुनिया जल्द ही नष्ट हो जाएगी। रति की बात को मानते हुए शिव जी ने कहा कि कामदेव दुनिया में जीवित रहेंगे लेकिन बिना शरीर के। तभी कामदेव को अनंग के नाम से भी जाना जाने लगा। कामदेव का साथ छूटने से रति बहुत दुखी थी। तब देवताओं ने उन्हें समझाया कि कामदेव एक दिन फिर से शरीर के साथ जन्म लेंगे। द्वापर युग में वो कृष्णा और रुक्मिणी के बेटे के रूप में जन्म लेंगे। द्वारका में जन्मे श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन कामदेव का ही पुनर्जन्म है, पर उनका ये जन्म मुश्किलों से खाली नहीं था। जन्म के 10 दिनों में ही प्रद्युमन को शंभरा नाम के एक असुर ने सागर में फेंक दिया। सागर के अंदर प्रद्युमन को एक बड़ी मछली ने निगल लिया, जिसे एक दिन मछुआरों ने पकड़ लिया और उसे शंभरासुर के पास ले गए। जब शंभरासुर ने उस मछली को काट कर पकाना चाहा, उसके पेट में प्रद्युमन को पाया जो कि अब तक जीवित था। इस बच्चे को शंभरासुर ने अपनी पत्नी मायावती को दे दिया। उन्हें प्रद्युमन से काफी लगाव हो गया। उन्होंने प्रद्युमन को बड़ा किया, उन्हें एक क्षत्रिय बनाया और हर तरह की विद्या दी। प्रद्युमन एक खूबसूरत नौजवान बन गए और मायावती उनकी तरफ आकर्षित होने लगी, क्योंकि मायावती असल में रति का पुनर्जन्म थी। मायावती के मन में दुविधा बढ़ने लगी, क्योंकि जिस बच्चे को उन्होंने पाला था अब वो उसकी ही तरफ आकर्षित थी। तभी उनकी इस दुविधा को नारद मुनि ने दूर किया। उन्होंने मायावती को उनके पिछले जन्म के बारे में याद दिलाया, पर मायावती के इन डिजायर्स को देख प्रद्युमन भी कुछ दुविधा में आ गए। तब मायावती ने उन्हें भी अपने पिछले जन्म के बारे में बताया और समझाया कि उनका ये जन्म शंभरासुर का वध करने के लिए और उनसे मिलन के लिए हुआ है। कामदेव अपने बल और शक्तियों का इस्तेमाल कर उस खौफनाक असुर का वध कर देते हैं और कामदेव और रति का फिर से मिलन होता है। भारत में कामदेव के ज्यादा मंदिर नहीं पाए जाते, लेकिन कहते हैं कि कामदेव और रति की पूजा करने से उनके मंत्र पढ़कर कोई भी अपने रिश्ते को सुखद बना सकता है। तो दुनिया में जहां हम कामदेव को सिर्फ सेक्स से जोड़ते हैं, वहीं ये कथाएं दर्शाती है कि शायद कामदेव ना होते तो ये दुनिया अंधकार से घिरी होती। लोग कभी प्लेजर महसूस ही नहीं कर पाते और बिना प्लेजर के उन्हें ना ही अट्रैक्शन होता और शायद दुनिया में किसी का जन्म भी नहीं हो पाता। आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड स्टे ट्यून्ड टू रास फॉर मोर अनसुनी अनकही और अनदेखी कहानियां। सी यू इन द नेक्स्ट मंथ।